मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक को और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई हैं। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक को और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली
कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप किए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक को और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं, उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक को और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें?
वे खामोश क्यों है? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। मैं तो पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक को और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक को और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया।
हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई हैं। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। मैं तो सुधार कर रहा हूं। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूंगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, News 18 इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। मैं तो सुधार कर रहा हूं। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूंगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है,
त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई हैं। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं, उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है, ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई हैं। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं, उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है,
उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक को और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं, उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक को और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं, उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे?
ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है। महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूंगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, News18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं, उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूंगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, News18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन
और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वह सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि ये पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है।
मैं इसकी निंदा करता हूं और इसके निर्माता निर्देशक और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई हैं। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई हैं। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं
इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक को और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं, उस पर निर्माता निर्देशक अपना रूप कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक को और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं, उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है।
महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूंगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, News 18 India। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं, उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूंगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, News 18 India। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि
कि वह सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें। वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं, उस पर निर्माता निर्देशक अपना रूप कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। मैं तो पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं, उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे
और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। मैं तो सुधार कर रहा हूं। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूंगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक को और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली न्यूज 18 इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। मैं तो सुधार कर रहा हूं। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूंगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके
और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर
साधु संतों द्वारा जो आक्षेप किए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि ये पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं, उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूँगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं,
उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। मैं तो सुधार कर रहा हूं। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूंगा कि पठान फिल्म के अंदर ये गाने के साथ में जिस प्रकार के भगवा कपड़े पहन करके और ये गाना गाया गया है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारा जो भगवा वस्त्र है ये शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है। अगर कोई वैराग्य से संबंधित गाना हो, कोई अध्यात्म का गाना हो, कोई वीरता का गाना हो, तब ये कपड़े पहन के गाया जाए तो उचित है। लेकिन अश्लील गानों के साथ में इन कपड़ों को पहन करके गाना, ये हमारी सभ्यता संस्कृति के विपरीत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसके निर्माता निर्देशक को और एक्टर को भी इसको तुरंत परिवर्तित कर देना चाहिए। आप कुछ कदम उठाएंगे इस प्रकरण के सामने आने के बाद? हम माननीय मंत्री को भी लिखेंगे और सेंसर बोर्ड को भी लिखेंगे कि इसको तुरंत प्रतिबंधित किया जाए। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 18, इंडिया। हमारे पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई है। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। सवाल यह उठता है, क्या फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी नैतिक जिम्मेदारी या उनका दायित्व नहीं है कि वे सामने आकर खुलकर वे अपनी भूमिका रखें, अपना रूप बयान करें? वे खामोश क्यों हैं? लोगों के सामने आकर साधु संतों द्वारा जो फिल्म के प्रति आक्षेप लिए गए हैं, उस पर निर्माता निर्देशक अपना रुख कब बयान करेंगे? ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल हम कभी भी चलने नहीं देंगे। पठान फिल्म के निर्देशक और निर्माता सामने आकर साधु संतों द्वारा जो आक्षेप लिए गए हैं, जो आपत्ति उठाई गई है, उस पर वे अपनी भूमिका स्पष्ट करें। मैं तो सुधार कर रहा हूं। पठान फिल्म पर जो विवाद हो रहा है उसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी हैं। सर, आप बतौर सांसद क्या मांग करते हैं इस प्रकरण के सामने आने के बाद? मैं बतौर सांसद और बतौर सन्यासी दोनों दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहूंगा